बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक। आज हम बात करेंगे कि इंसानी जिस्म के अंदर जो है वो कुछ मिनरल्स होते हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, तो ज़ाहिर है कि कुदरती तौर पर जो है वो जो चीज़ें मिट्टी के अंदर मौजूद हैं वो इंसानी जिस्म के अंदर भी उनकी मुनासिब मकदार में जो है वो मौजूद हैं। अगर उनमें कमी बेशी होती है तो फिर इंसानी जिस्म जो है वो उसकी कमी बेशी की वजह से जो है वो उसके बॉडी के अंदर जो है वो चेंजिंग आती हैं, तो हमें जो है वो इनकी ज़रूरत रोज़ाना की बुनियाद पर भी पड़ती है। जब ये हमारे जिस्म के अंदर मुनासिब मकदार में उनका बैलेंस रहेगा तो इंसान जो है वो सेहतमंद रहेगा। अगर इससे कमी होती है तो फिर जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो है वो हमें आ घेरती हैं। तो मिनरल्स क्या हैं कि यानी इंसान ऐसे अनासर हैं जो जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, आयरन है, पोटाशियम है। तो ये इनका काम है कि यानी जिस्म की साख्त और इनके अफाल जो होते हैं उनका जो जिस्म में वर्क होता है उसको बरकरार रखने में बहुत ज़रूरी होती है। मिनरल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जो है वो मेजर मिनरल्स कहलाते हैं और एक ट्रेस मिनरल्स जो है वो कहलाते हैं। तो मेजर मिनरल्स जो हैं वो अगर जो जिन विटामिन की जो जिन मिनरल्स की हमें 100 mg से ज़्यादा की ज़रूरत होती है वो मेजर जो है मिनरल्स कहलाते हैं। यानी कि ऐसे मदनियात या ऐसे जो मिनरल्स हैं जिनकी हमें 100 mg से जो है वो ज़्यादा की रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरत पड़ती है तो वो मेजर कहलाते हैं। ट्रेस मिनरल्स जो है वो जिनकी जो है वो 100 mg से जो है वो कम हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो ट्रेस मिनरल्स कहलाते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और उसके साथ आल के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको जो है वो आगाही मिलती रहे। तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो जिन मिनरल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है उनमें जो है जैसे कि कैल्शियम है, चूना, तो ये जो है हमें रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 1.3 से 1.4 ग्राम जो है वो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये हमारे जिस्म में जो है 2% जो है वो मौजूद होता है। तो इसका बॉडी के अंदर काम क्या होता है यानी ये आपको तो मालूम होगा कि यानी जैसे दांतों को जो है मज़बूत करता है, हमारी हड्डियों को मज़बूत करता है, खून की नालियों की जो दीवारें होती हैं उनको जो है मज़बूत करता है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें कुव्वत बर्दाश्त जो है वो अच्छी रहती है, इससे अगर कैल्शियम मुनासिब मकदार में मौजूद है इससे याददाश्त बेहतर होती है, कुव्वत बर्दाश्त जो है वो इससे बेहतर हो जाती है। तो चूना या कैल्शियम जो है ये हमारे जिस्म के जो सुर्ख ज़रात हैं उनको बनाने में जो है वो मदद देता है। इसके अलावा जो है इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इसके अलावा जो है बच्चों की बढ़ोतरी नहीं होती, उनके कद छोटे रह जाते हैं, देर से चलते हैं और दांत उनके देर से निकलते हैं। तो अगर ये इस तरह हो तो फौरन समझ लेना चाहिए कि यानी जिस्म के अंदर जो है वो कैल्शियम की कमी हो रही है। तो इसकी ज़रूरत जो है वो हमें किन चीज़ों से हम इसको पूरा कर सकते हैं, जैसे पालक होगी, शलजम होगी, गाजर, मटर, साग वगैरह जैसे बथुए का साग हो गया, बंद गोभी हो गई, दूध हो गई, बलाई हो गई, दही हो गया, मक्खन, छाछ, लस्सी, पनीर, अंडा, बादाम, पिस्ता, तो ये इन चीज़ों से जो है हमें इसकी जो है वो कैल्शियम जो है मुनासिब मकदार में हमें मिलता रहता है। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है वो हमारे जिस्म में 0.05% मौजूद होता है। तो ये यानी कि कुदरत की तरफ से जो है कब्ज़ कुशा है, यानी कि आपकी आंतों के लिए जो है वो बेहतरीन है, आपके मैदे के लिए जो है वो बेहतरीन है ये। इसके अलावा जो है ये पट्ठों को ताकत देता है, दिमाग और हिसाब की जो है वो परवरिश करता है, फास्फोरस और चूने के साथ मिलकर जो है हड्डियों और दांतों को जो है मजबूत करता है, इससे जो है वो हड्डियां मजबूत होती हैं, खोपड़ी जो है वो मजबूत होती है, सर की जो हड्डी है वो मजबूत होती है। जिस आदमी के जो है मिजाज में अगर तुरशी पैदा हो, जिस आदमी के मिजाज में अगर तुरशी हो तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है वो उसको जो है वो मैग्नीशियम की ज़रूरत है। तो ये जो है वो हमें जैसे मुख्तलिफ खानों से, अंजीर से, पालक से, अंगूर से, आलू बुखारे से, संतरा, रसबरी हो गई, इसके अलावा जो है खट्टा सेब वगैरह जो है वो, और टमाटर में जो है वो ये मुनासिब मकदार में मौजूद होता है। उसके बाद आता है गंधक, सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो 0.25% मौजूद होता है।
तो ये यानी बदन के अंदर या जिस्म के अंदर जो वो चुस्ती लाता है, फुर्ती चुस्ती जो होती है ये सल्फर की वजह से होती है। तो इसके अलावा जो है जिगर से सफरा का अखराज करता है, अंदरूनी जो है हरारत पैदा करता है, आपको अंदरूनी तौर पर जो ताकत मुहैया करता है, खून को साफ करके जल्द को जो है निखारता है, यानी आपकी जो जल्द साफ होती है, जैसे चेहरे के ऊपर दाने नहीं है, जिस्म के ऊपर दाने नहीं है, ख़ारिश नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर जो है वो सल्फर मुनासिब मकदार में मौजूद है। तो ये स्किन डिजीज से जो है वो आपको दूर रखता है, बालों को जो है बढ़ाता है, बालों को चमकदार जो है वो रखने में मदद देता है। इसके अलावा जो वायरल डिजीज़ होती हैं यानी छूत की बीमारियां, जो लगने वाली बीमारियां होती हैं एक दूसरे से, तो उन बीमारियों से जो है वो हमें ये सल्फर जो है वो बचाता है। तो सल्फर जो है इसके अलावा जिस्म के अंदर जो है फास्फोरस का असर जो है वो कायम रखने में, यानी फास्फोरस भी हमारे जिस्म में बहुत ज़रूरी है, तो उसको जो है जिस्म के अंदर कायम रखने में जो है इसका सबसे ज़्यादा किरदार अदा होता है। तो ये ज़्यादा दिमागी उकसाहट से भी बचाता है, यानी दिमागी उलझन सी होती रहती है ना बाज़ औक़ात, तो उससे भी जो है ये सल्फ़र की जो है वो बचा देता है। तो ये मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं के अंदर, खुराकों के अंदर मौजूद होता है, जैसे कि मूली हो गई, प्याज हो गया, बंद गोभी, फूल गोभी, तो इनके अंदर जो है ये मुनासिब मकदार में मौजूद होता है। तो ये अगर हमारी खुराक के अंदर मौजूद होते हैं तो हमें इनकी कमी जो है वो पूरी होती रहती है। उसके बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो जिस्म की धोबी का काम करता है, यानी ये भी एक ज़रूरी अंसर है जो हमारी बॉडी को जो है वो, जैसे धोबी जो है वो कपड़ों को धोता है ना कि साफ़ कर देता है, बिल्कुल उनसे मैल कुचैल ख़त्म कर देता है, तो क्लोरीन भी जो है वो ये हमारे जिस्म के अंदर जो है वो जिस्म की सफाई करता है, अंतड़ियों को जो है बिल्कुल धो देता है, जैसे कि टाइफाइड बुखार के अंदर जो है वो क्लोरीन का मिक्सचर दिया जाता है, तो क्या होता है कि यानी टाइफाइड जो है वो अंतड़ियों के ज़रिए फैलता है, तो अंतड़ियों की सफाई कर देता है, पेट की सफाई हो जाती है। तो ये हमारे जिस्म की जो है वो गैर ज़रूरी मादे जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको जो है जिस्म से जो है वो खारिज करने में मदद देता है। इसके अलावा चर्बी घटाता है, यानी जिस्म के अंदर जो चर्बी बढ़ जाती है तो उसको ख़त्म करता है, हाजमे को जो है बेहतर करता है, खाना के बाद जैसे पेट वगैरह का फूल जाना, तबीयत में अफसूदगी, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, ठीक है, तो उन चीज़ों को, अच्छा गुर्दों की जो है वो बीमारियों से भी बचाता है, दांतों से खून आना, तो ये इन चीज़ों को भी जो है वो ये कवर करता है। ये कुदरती तौर पर जो है वो मूली के अंदर, बांध गोभी के अंदर, प्याज के अंदर, पालक, गाजर, टमाटर और बकरी के दूध के अंदर जो है वो मुनासिब मकदार में मौजूद होता है। तो क्लोरीन का काम जो है हमारे जिस्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे पानी को साफ करने के लिए भी जो है क्लोरीन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, पानी के अंदर मिलाया जाता है। तो ये कुदरती तौर पर इन खुराकों के अंदर मौजूद होता है, अगर हम इनको मुनासिब मकदार में लेते हैं तो ये जो है वो हमारे जिस्म के अंदर से जो बीमारियों का जो है सफाया करते रहते हैं। उसके बाद आता है फौलाद। इम्पोर्टेंट रोल है बॉडी के अंदर फौलाद का, खून का अहम जुज़ है, ये बदन को जो है गर्मी देता है, ताकत देता है और मैग्नेटिक पावर देता है जिस्म को, खून के सुर्ख ज़रात को जो है मजबूत करता है और दिमाग को चुस्त रखता है, यानी कि दिमाग जो है आपका तरोताज़ा रहता है, हाथों पाँव को जो हाथ और पाँव जो अमूमन ठंडे रहते हैं जिन लोगों के, तो उनके अंदर जो है वो फुलाद की कमी होती है। तो चेहरे की जर्द रंगत उन फुलाद की कमी की तरफ जो है इशारा देता है, जिस्म का ठंडा रहना फुलाद की कमी की तरफ इशारा देता है, तो मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन आना, तो ये इसकी कमी की वजह से होता है। तो यानी कि कुव्वत इरादी भी जो है वो आपकी कमी होती है, तो ये कुव्वत इरादे को मजबूत करता है, दिल को फौलाद से जो है पट्ठे मजबूत होते हैं, आपका जो है कुव्वत इरादी जो है मजबूत होती है, दिल मजबूत होता है, दिल के अंदर जो है वो आपके दिलेरी पैदा होती है और आप जो है मुश्किलात का जो है वो सामना करते हैं, ठीक है, यानी आपके अंदर बुजदिल्लापन जो होता है ना उसको दूर करता है। के अंदर सब्जियों के अंदर लाल मूली, साग, हरी सब्जियां जो हैं उनके अंदर मौजूद होता है, बंद गोभी, पालक, मटर, गोश्त, कलेजी, खुबानी, इंजीर, बादाम, अंडे की जर्दी, सेम फली, गाजर, कद्दू या मौसमी जो फल होते हैं उनके अंदर जो है वो मौजूद होता है। सोडियम, सोडियम जो है वो जिस्म के अंदर सख्त मादों को पिघलाकर ख़त्म कर देता है, जैसे गुर्दों के अंदर, पित्ते के अंदर या जिगर के अंदर जो है वो सख्त मादे पैदा हो जाते हैं, पथरियां पैदा हो जाती हैं, उनको जो है पिघला कर ख़त्म कर देता है, जिस्म से जो है वो जोड़ों के अंदर से जो है वो यूरिक एसिड को ख़त्म करने में मदद देता है।
एक और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसका कि जिस्म के अंदर से जो है खटास को ख़त्म करता है, जैसे कि बदहज़मी हो जाती है, हम इसको जो है वो खट्टी डकारें आती हैं, ठीक है, तेजाबियत हो जाती है, तो जिस्म के अंदर से जो है वो खटास को ख़त्म करने में जो है वो मदद करता है। तो सोडियम की कमी की वजह से जो है वो ये कैफियत पैदा हो जाती है। तो सोडियम जो है इसके अलावा पठों को जो है मजबूत करता है, चुस्त रखता है, जोड़ों को लचकदार बनाने में, मूवमेंट में जो है वो आसानी रहती है। इसके अलावा दांतों को ख़राब होने से जो है बचाता है, कब्ज़ कुशा है, आजमा को जो है बेहतर करता है, और जिस्म से पथरियां बनने के जो है वो रोकता है। तो ये मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के अंदर जैसे खीरा से, पालक, अंजीर, मीठा आलू बुखारा, ठीक है, मूली, शलजम वगैरह के अंदर जो है वो मुनासिब मकदार में मौजूद होता है। पोटाशियम, पोटाशियम जो है वो ये समझ लें कि एक खाद है एक तरह की, जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी जिस्म और को जो है बिजली की सी कैफियत पैदा करती है। जिस्म के अंदर जो चुस्ती लाता है, यानी कि एकदम जो है वो जैसे बिजली का करंट दिया जाता है ना, जो तो वो एकदम जो वो हरकत में आ जाता है जिस्म, तो ये जिस्म के अंदर जो है वो इस तरह का काम करता है कि जिस्म के अंदर एकदम जो है वो चुस्ती लाता है और जोड़ों को लचकदार मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है, और जिस्म को जो है वो कब्ज़ और दौरान खून को जो है वो बेहतर करता है। इसकी कमी से जो है वो सुस्ती पाई जाती है, मरीज़ जो है वो दुबला पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और इसके अलावा जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। पोटाशियम की कमी की वजह से मरीज़ जो है वो सुस्त रहता है, कोई काम करने का उसको जो है वो दिल नहीं करता। तो ये तेज़ दौड़ने वालों के लिए, रनिंग करने वालों के लिए, काम करने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग जो है वो खेल कूद का काम ज़्यादा करते हैं, तैराकी का काम करते हैं, पहलवान हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई जिस्म में ज़ख़म हो जाए तो उसको खुद ब खुद जो है वो भरने में जो है इसका किरदार होता है, अगर ये मुनासिब मकदार में जिस्म के अंदर जो है वो मौजूद है। तमाम तरह की जो है सब्ज़ियों के अंदर मौजूद होता है, पालक वगैरह हो गई, मूली, शलजम, गाजर, ख़ासकर गाजर के ऊपर के जो है पत्ते होते हैं उनमें जो है वो ज़्यादा मौजूद होता है, टमाटर होता है, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, ठीक है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है आपको तो मालूम ही होगा, यानी कि जैसे थायराइड का जो है मसला हो जाता है, तो आयोडीन की कमी की वजह से जो है वो थायराइड के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अगर ये हमारे जिस्म मुनासिब मकदार में मौजूद है तो थायराइड के मसाइल से जो है वो बचा जा सकता है। ये बदन के लिए बहुत ज़रूरी, आयोडीन जो है वो जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके जो है ये कीड़ों को जिस्म से जो है वो मारने में मदद देता है। इसके अलावा ज़ख्मों को साफ़ करने के हवाले से, जिस्म के अंदर जो जैसे ज़ख्मों के अंदर पीप वगैरह पड़ जाती है, पस वगैरह पड़ जाती है, तो उनको जो है वो ख़त्म करने में जो वो इसका रोल अहम होता है, यानी जो ज़ख्म जो है वो ख़राब नहीं होते। तो ये जिस्म के अंदर जो है वो पुलिस का काम करता है, यानी कि जिस्म की तलाशी लेता रहता है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर जो है वो कोई गैर ज़रूरी चीज़ जो है वो पैदा ना हो रही हो, जैसे कि पस वगैरह ज़ख्मों के अंदर पड़ जाती है, तो ये उनको जो है बनने से रोकता है। इसके अलावा बूढ़े नौजवाना बच्चों के लिए जो है वो इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, आमला ख़वातीन को जो है इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, तो उसको जो है वो आयोडीन की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसमें चूँकि थायराइड ग्लैंड का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो उस हवाले से जो है आयोडीन इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसकी जो है वो कमी से क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड का अमल जो है मुतासर हो जाता है, जैसे हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है या जो है वो हाइपर थायरायडिज्म हो जाता है, तो इंसान जो है वो जहनी तौर पर भी जो है सुस्त होना शुरू हो जाता है, जिसम जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी जो है वो हमें कैसे पूरी करें, एक तो कुदरती तौर पर जो नमक है, नेचुरल नमक, ठीक है, उससे इसकी कमी जो पूरी होती है। इसके अलावा जो है वो कुछ खुराक के अंदर भी मौजूद होता है, जैसे कि समुद्री मछली के अंदर मौजूद होती है इसकी मकदार, अनानास के अंदर मौजूद होता है, लहसुन के अंदर मौजूद होता है, बकरी के दूध के अंदर जो है वो आयोडीन मौजूद होता है, तो इससे जो है वो कमी पूरी होती रहती है। तो मुख्तलिफ जो है वो कंपनियों ने बनाए हुए आयोडीन मिला नमक, उससे परहेज करनी चाहिए, क्योंकि वो जो है वो आर्टिफिशियल तौर पर बने होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो उस आयोडीन से जो है वो परहेज़ करें, क्योंकि उससे अक्सर अक्सर जो है वो जोड़ों के अमराज जो है वो जन्म लेते हैं, जैसे जोड़ों की चिकनाहट ख़त्म हो जाती है, तो ये
उस नमक से जो है वो परहेज करें, कुदरती नेचुरल जो नमक है उसको इस्तेमाल में लाएं। बाद है फास्फोरस, तो फास्फोरस का भी जो है एक मुनासिब मकदार के अंदर जो है वो जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर वो नुकसानदेह है, लेकिन अगर ये मुनासिब मकदार के अंदर जो है जिस्म के अंदर मौजूद है तो फिर जो है वो जिस्म को जो है नुकसान नहीं होता। क्योंकि अगर ये जितनी ज़्यादा मकदार में होगा, कैल्शियम का अखराज जो है जिस्म से उतना ज़्यादा होगा, और फिर हड्डियाँ और दांत जो है वो कमज़ोर होना शुरू होंगे। तो फास्फोरस जो है वो एक हड्डियों के अंदर मुनासिब मकदार में मौजूद होता है और गोश्त के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो है वो कैल्शियम का अखराज जो है वो ज़्यादा होने लग जाता है फास्फोरस की वजह से। तो सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि उनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, फास्फोरस मुनासिब मकदार में मौजूद होता है। तो इस तरह उसका बैलेंस जो है वो जिस्म के अंदर जो है मुनासिब मकदार में मौजूद होता है। तो जिस्म के लिए जितने भी जो मिनरल्स हैं या विटामिन हमें ज़रूरत पड़ते हैं वो एक मुनासिब लेवल के अंदर हर खुराक के अंदर मौजूद होते हैं। तो हमें बैलेंस रख के जो है तमाम खुराकों का जो है इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे जिस्म के अंदर भी जो है वो उनका बैलेंस बरकरार रहे और हम मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो बचे रहें। तो तमाम खुराकों को जो है वो अदल बदल कर इस्तेमाल करना चाहिए, उनका बैलेंस रख कर इस्तेमाल करना चाहिए, और मौसम के लिहाज से जो है वो हर खुराक जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। मौसम के लिहाज से जो वो जितने फ्रूट हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी सब्जियां हैं दालें हैं इनका अदल बदल कर जो है वो इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आप जो है वो आपके जिस्म के अंदर जो है वो इनके मकदार जो है वो बैलेंस रहेगा, तो फिर आप जो है बीमारियों से जो है बचे रहें।